आपको पता है कैंसर क्या होता है और क्यों होता है? आपको पता है जब कैंसर की गांठ बनती है तो पहले बॉडी उसको हमारे भले के लिए बनाती है। जो भी ट्यूमर रसौली पथरी बनती है वो हमारे भले के लिए बनती है, लेकिन हम नहीं टिकते, वो हमारा बुरा करने लग जाती है। बॉडी क्या करती है? बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। अगर बॉडी में कहीं भी टॉक्सिन घूम रहा है, बॉडी उसको इकट्ठा कर करके एक जगह इकट्ठा करती रहती है। अब हम लोग खाना पीना सुधारते नहीं, वो साइज बड़ा होता रहता है, तो एक लिमिट तक बॉडी झेलती है। होता क्या है, बाद में उसी ग्रोथ के अंदर कैंसर से डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी बेवकूफियां रुकती नहीं है। आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का निदान बॉडी से कुपित मल को निकाल दो हो जाएगा, यानी कि टॉक्सिन्स निकाल दो आप ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद ने बड़ा आसानी से बताया सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी रोग हैं इनका निदान कुपित मल को निकाल दो। कुपित मल मतलब टॉक्सिन्स, एसिडिटी आपकी बॉडी में, वेस्ट। अब ये वेस्ट कैसे पैदा होता है? हमें सांस से क्या मिलना चाहिए, नाक से क्या मिलना चाहिए? हवा, ऑक्सीजन नहीं लेनी चाहिए, हवा। हवा में से बॉडी ऑक्सीजन निकालती है अपने आप, इसीलिए सीधी ऑक्सीजन के बाद आपके लंग्स में निमोनिया हो जाता है। हम ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं बने, हम हवा लेने के लिए बने हैं। फेफड़े उस हवा में से ऑक्सीजन छांटते हैं। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, तो अगर आप सीधी ऑक्सीजन दे दोगे तो फेफड़ों को काम ही नहीं करना पड़ा। क्यों लोग ऑक्सीजन लगवा के हॉस्पिटलों में मरे थे कोरोना में? क्योंकि फेफड़ों की एक्सरसाइज जीरो हो गई थी, क्योंकि आप सीधी ऑक्सीजन दिए जा रहे थे, फेफड़ों की एक्सरसाइज कम हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ बच के आए, तो समझो उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग थी। भारत का आयुर्वेद विश्व का उपचार।